हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप पहले मेरे दो वीडियो देख चुके होंगे, उसके अंदर मैंने वोकैबुलरी डिस्कस किया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्दी मैं आपके लिए बहुत सारी वोकैबुलरी लेके आने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। स्टूडेंट्स की डिमांड के बेस पे आज मैंने एक नया चैप्टर लिया है, कॉमन एरर, जो चैप्टर कहने के लिए नया है लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, कॉमन एरर का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल में आज के टाइम अगर देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपके पास पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि एरर्स जो एक्चुअल में बनती है वो कहां से बनती है। अब एरर की जब भी बात आती है तो नो डाउट आपके पास एरर कहीं ना कहीं जो रहती है वो ग्रामर को ही फॉलो करेगी, नो डाउट। तो मैं आपको बता देता हूं आपके पास जो एरर्स बनती है वो ग्रामर की कौन कौन से चैप्टर से बन सकती है, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर मैं कहना चाहूं तो आपके सामने ऑलमोस्ट सारे ग्रामर के चैप्टर रख लेता हूं, क्योंकि सारे के सारे जो चैप्टर्स आपके पास रहेंगे वो एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। मजेदार कॉन्सेप्ट है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। इसमें एक वर्ड आ रहा स्पीच। स्पीच से मेरा मतलब क्या, स्पीच से मेरा सीधा सा मतलब ये रहेगा कि आपके पास जब आप किसी भी सेंटेंस को लिखते हो तो उसके सेंटेंस को लिखने का तरीका हमेशा ऐसा होता है। वैसे अगर देखा जाए तो स्पीच एक्चुअल में किसको बोलते हैं, किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोली गई या फिर लिखी गई बात को स्पीच कहा जाता है। तो देखिएगा, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखने का स्ट्रक्चर लिखा है जिसमें मैंने सब्जेक्ट लिखा है, हेल्पिंग वर्ब लिखी है, मेन वर्ब लिखी है, ऑब्जेक्ट लिखा है और अदर्स लिखा है। बस यही एक स्पीच है। और मैंने यहां पे लिखा पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब जो भी स्पीच मैंने लिखी हुई है उनके पार्ट्स पॉसिबली क्या क्या हो सकते हैं और उनके बेस पे एरर्स भी बन सकती है। देखिएगा कैसे, जैसे सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, इट कैन बी पॉसिबली नाउन और प्रोनाउन, नो डाउट इनके बेस पे एरर्स बन सकती है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इन्हीं नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताने के लिए आपके पास एडजेक्टिव भी हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों कॉन्सेप्ट एक्चुअल में वर्ब के अंदर आते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आपने एडवर्ब सुना होगा जो वर्ब की क्वालिटी को बताता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आपके पास प्रेपोजिशन रहता है, इसके ठीक बाद में आपका कंजंक्शन रहता है और नेक्स्ट जो आपके पास रहता है वो रहता है आपके पास इंटरजेक्शन। तो देखा जाए तो टोटल ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनके बेस पे बहुत मजेदार एरर्स बनती है। अब नाउन से मेरा मतलब ये नहीं कि नाउन होता क्या है और कितने प्रकार का होता है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी मायने नहीं रखता। अपन ये देखेंगे कि नाउन के बेस पे एक्चुअल में जो एरर्स बन सकती है वो कैसी बन सकती है, क्योंकि वही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद में चलते हैं आगे और चैप्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के ठीक बाद में अब अपन देखते हैं कि और एरर कहां कहां से बन सकती है। तो पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बता ही रखा है, इनके जो जो पार्ट्स होते हैं वो सारे मैंने रख लिए, तो अब मैं बार बार इसको लिखूंगा नहीं, एक बार मैं लिख लेता हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। इसके ठीक बाद में दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरे कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो यस, पूरे ग्रामर की नींव, टेंस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ठीक है ना। तो इसके बेस पे बहुत मजेदार एरर्स बन सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टेंस के ठीक बाद में आपका वॉइस आता है। वैसे अगर देखा जाए तो पैसिव वॉइस एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इसको बैंकिंग के अंदर करते हो तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट फ्रेज रिप्लेसमेंट में आपको बहुत हेल्प करता है, नो डाउट हेल्प करता ही करता है। इसके ठीक बाद में फोर्थ कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट इज रिपोर्टेड स्पीच, जिसको आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी जाना होगा या फिर आप नरेशन के नाम से भी आपने सुना होगा। बस यही होता है रिपोर्टेड स्पीच। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये भी कॉन्सेप्ट आपके पास एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बैंकिंग के अंदर यस ये कॉन्सेप्ट आपके पास एरर्स लेके आ सकता है, ठीक। इसके बाद में अगर अपन डिस्कस करें तो आपका चैप्टर हो सकता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद की अगर अपन बात करें तो आपका कॉन्सेप्ट नेक्स्ट जो रह सकता है वो हो सकता है पैरेललिज्म। नेक्स्ट आपके पास जो कॉन्सेप्ट रह सकता है वो कॉन्सेप्ट आपके पास हो सकता है कहीं ना कहीं डिस्कस अपन कर सकते हैं, जैसे आपके पास अगर लेना चाहो तो यस इफ एंड टेक।
इसके बाद में जो आपका सेवंथ वाला कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन टाइप। इसके ठीक बाद में अगर अपन बात करें तो एक कॉन्सेप्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो कॉन्सेप्ट इज सुपरफ्लो सेल। इस तरह से ऐसे बहुत सारे ग्रामर के चैप्टर आपके पास रह सकते हैं जो एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आपके पास एरर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं बैंकिंग में अभी तक जो क्वेश्चन आपके पास पूछे गए उनका स्टैंडर्ड पैटर्न कैसा है। वैसे जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया वैसे वैसे यस एरर के जो क्वेश्चन है उन्होंने भी बहुत सारे रोक लिए, बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट आपके सामने रखे जहां पे पूछे इन्हीं कॉन्सेप्ट से गए थे, लेकिन हर बार एरर को पूछने का तरीका इन्होंने कुछ डिफरेंट रख लिया। देखते हैं कैसे। बैंकिंग के अंदर अगर अपन बात करें तो स्टैंडर्ड पैटर्न अभी तक सिर्फ यही देखा गया है जिसको अपन स्लैश एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं, जहां पे आपके पास एक सेंटेंस दे रखा होता है, एक सेंटेंस के अंदर ये पार्ट बना रखा होता है जिसके अंदर आपका पार्ट ए हो सकता है, बी हो सकता है, डी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, और लास्ट में सभी का चाहिए था नो एरर, बहुत ठीक है। तो देखिएगा ये आपके पास एक स्टैंडर्ड पैटर्न बैंकिंग ने अभी तक आजमाया था जहां पे हमेशा एरर जो बनती थी वो इसी तरीके से बनती थी, जहां पे आपके पास एक सेंटेंस दे रखा होता था और सेंटेंस के अंदर कुछ पार्ट्स बना रखे होते थे, किसी एक पार्ट में ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती थी। और अगर आपको लगता है कि आपके सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है तो यस आपका सही आंसर नो एरर हो सकता था। इसके बाद में अगर हम बात करें ये पहला कॉन्सेप्ट रहेगा, इसके बाद में एरर टाइम टाइम पे चेंज होती रही। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपके पास बना, इसी सेंटेंस के अंदर ये जो पार्ट बना रहे ए बी सी और डी, इन्होंने क्या किया सेंटेंस जैसा भी लिखा होगा इसके पार्ट ऐसे बना लिए, जहां पे सेंटेंस वही है इसका पहला पार्ट आपको यहां दे दिया, यहां दे दिया, यहां दे दिया, यहां दे दिया और लास्ट में वही दे दिया नो एरर। देखा जाए तो कॉन्सेप्ट क्या है, बस यही तो कॉन्सेप्ट है जहां पे इसी सेंटेंस को अभी ऐसा लिखा है। अभी अगर मैं बात करूं तो एक कॉन्सेप्ट आपने बहुत कॉमन ये भी देखा होगा जहां पे एक सेंटेंस दे रखा होता है उसके अंदर ऐसे पार्ट बना रखे होते हैं और बोल्ड करके कुछ वर्ड्स देता है, आपको सिर्फ ये देखना है कि बोल्ड वर्ड्स के अंदर कहां कौन सी एरर है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अभी तो मैंने कुछ ही टाइप्स डिस्कस किए, इसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे टाइप्स आपके पास एरर्स के लेके आ सकते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। एरर के अंदर एक कॉन्सेप्ट मैं और डाल देता हूं जो शायद एरर का नहीं बट हाँ हेल्प जरूर करेगा। इस बार एसबीआई क्लर्क 2018 की अगर बात करूं तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आया था दैट वॉज मिसस्पेल। ठीक इसी प्रकार सेंटेंस दे रखा होता है जहां पे चार वर्ड बोल्ड करके देगा, हो सकता है चार में से कोई भी एक वर्ड जिनकी स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर सेंटेंस के बेस पे यहां पे जो वर्ड इन्होंने यूज किया है शायद गलत यूज किया गया हो। तो इस प्रकार से आपके पास एरर के क्वेश्चन बन सकते हैं। शुरुआत में हमने देखा था कि आपके पास एरर्स जो बन सकती है वो कहां कहां से बन सकती है। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जहां पे अपन डिस्कस करेंगे कि आपके पास जो आपके एरर्स बनती है या फिर एरर्स जो अपन करेंगे वो एक्चुअल में कैसे करेंगे समझिएगा। देखिएगा जैसे पहला सेंटेंस आपके पास कुछ ऐसा है, सेंटेंस ने आपसे कहा है अकॉर्डिंग टू द 12th फाइव ईयर प्लान इंडिया शुड इन्वेस्ट $1 trillion इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये आपका सेंटेंस एक्चुअल में दे रखा है। अब देखिएगा स्टूडेंट जो एरर्स को पकड़ने की कोशिश करता है वो हमेशा क्या करता है, पहले ये बात समझ लेना, पहले सेंटेंस जो दे रखा है स्टूडेंट हमेशा उसका ट्रांसलेशन करता है। मेरे हिसाब से वो करना नहीं चाहिए, इसका सीधी सी बात, इसका रीजन ये है कि बंदा ट्रांसलेशन करता है क्योंकि आज के टाइम में बैंकिंग के अंदर जो क्वेश्चन आपके पास बन रहे हो कैसे बन रहे शायद आप ट्रांसलेशन भी नहीं कर पाओ। अब अगर आप ट्रांसलेशन के बेस पे ही अटके हुए हैं तो शायद आप कभी नहीं पकड़ पाओगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो भी चीजें आपके पास है उसको थोड़ा सा कंसेप्चुअल लीजिएगा, देखिएगा कैसे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि पहला सेंटेंस जो आपके पास है क्या किसी को कोई एरर मिल रही है, एक बार अपने लेवल पे आप सोचिएगा कि जो सेंटेंस आपके पास दे रखा है उसके अंदर आपके पास एरर्स क्या रहेगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं आपकी सहूलियत के लिए मैंने एक बहुत अच्छा ऑप्शन पीछे रखा है, अगर आप चाहो तो मेरे पे जा सकते हो। देखिएगा अब मैं बता देता हूं कि आपके पास इस सेंटेंस के अंदर एक्चुअल में जो एरर है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूं पार्ट जो है इसमें एरर है फोर्थ पार्ट में, फोर्थ पार्ट में एरर जो है वो ये है कि यहां पे देखिए मैंने वर्ड लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर और पीछे दे रखा है प्रोजेक्ट,
एक्चुअल में देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो एक्चुअल में नाउन होता है, जबकि यहां पे प्रोजेक्ट ये भी एक नाउन है। तो दोनों एक साथ कैसे लिखे जा सकते हैं? कॉन्सेप्ट ये कहेगा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्ड है इस नाउन की क्वालिटी को बताना चाहिए, मतलब ये नाउन की फॉर्म में ना कि ये आपका एक एडजेक्टिव बनना चाहिए। तो यहां पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा इट शुड बी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। एरर बनेगी आपके पास एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पोर्शन आपने देखा होगा। इसके ठीक बाद में चलते हैं दूसरा सेंटेंस। सेंटेंस आपसे कह रहा है ही टोल्ड दैट हिज फादर हैड गॉन टू मुंबई द प्रीवियस वीक। ध्यान रखिए ये कॉन्सेप्ट मैं आपसे कहता हूं कि जब कभी भी आपको टोल्ड दैट वगैरह ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट देखे, एक बात तो आपके दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए कि सेंटेंस जो बनी है, सेंटेंस में जो एरर बनी होगी वो कहीं ना कहीं रिपोर्टेड स्पीच से बनी होगी। बिल्कुल ये रिपोर्टेड स्पीच की एरर है। ध्यान से अगर देखें तो आपके पास इस सेंटेंस के अंदर क्या आपको कोई एरर मिल पा रही है? वापस आप मॉनिटर की तरफ देख सकते हो। सही आंसर अगर अपन डिस्कस करें तो देखिएगा आपके पास जो एरर है वो पहले ही पार्ट के अंदर है। एरर क्या है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब कभी भी इस एक्चुअली रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इस पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब आपसे ये कहती है कि अगर सेंटेंस में कोई सुनने वाला ना हो, मतलब ऑब्जेक्ट ना हो, तो सेड टू कभी चेंज नहीं होता। ये टोल्ड नहीं बनेगा, इट शुड बी सेड ओनली, क्योंकि पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है। और ये टोल्ड वर्ड है एक्चुअल में ट्रांजिटिव वर्ब है जिसकी ठीक बाद में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। अब नहीं है तो मतलब यहां पे लिखा हुआ टोल्ड गलत है। इसके ठीक बाद में चलते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ। तो यहां पे जो एरर बनी थी वो एडजेक्टिव की थी, यहां पे जो एरर आपके पास बनी वो रिपोर्टेड स्पीच की थी। यहां पे अगर अपन बात करें तो देखिएगा सेंटेंस कुछ ऐसा है। सेंटेंस आपसे कह रहा है इट इज आई हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। ध्यान से अगर देखिए तो इस सेंटेंस में किसी को कोई एरर अगर मिल रही होगी, जहां पे जहां तक मुझे पता है शायद आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहां पे मैं कर ले, यहां पे मैं नहीं कर सकते। इसका रीजन ये है क्योंकि पीछे रिलेटिव प्रोनाउन जो दे रखा है सब्जेक्टिव है, तो आगे वाला जो प्रोनाउन मैंने यूज किया वो भी सब्जेक्टिव ही होना चाहिए। तो आखिर एरर कहां पे? एरर यहां पे बनी यहां पे। कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो एक्चुअल में है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। एग्जैक्ट सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट बन रहा है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। वो आपसे ये कहता है कि जब कभी भी कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन लिखा गया हो तो उसके ठीक पहले सब्जेक्ट कौन सा है, और जो सब्जेक्ट लिखा गया हो उसी के बेस पे आपकी वर्ब लगानी। अब देखिए सेंटेंस को एक बार पढ़ते हैं, शायद सेंटेंस को पढ़ने का आपको फीलिंग ना आए जिसके बेस पे आप अपने एरर्स को निकालते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जहां पे एक बंदा सिर्फ फीलिंग के बेस पे अपने एरर को निकालता है, सेंटेंस को पढ़ता है, पढ़ के देखता है क्या फीलिंग आ रही है, फीलिंग आ रही तो ठीक, नहीं आ रही तो शायद कोई एरर नहीं रही होगी। तो बस यही कॉन्सेप्ट देखना। अब अगर मैं सही सेंटेंस पढ़ूंगा शायद आपको लगेगा सर ये क्या है। जैसे सेंटेंस आपके पास बनेगा इट इज आई हु एम रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। यस, सेंटेंस अभी भी आपका सही रहेगा, इट यहां पे गलत रहेगा। इंग्लिश आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता। इसके बाद में चलते आगे फोर्थ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है? नेवर बिफोर आई हैड बीन आस्क्ड टू गो देयर बाय बस। सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें तो देखिए इस सेंटेंस के अंदर एरर जो आपके पास हो सकती है क्या बताना चाहोगे? एरर जो आपके पास रहेगी वो रहेगी सेकंड पार्ट के अंदर। अगर आप में से किसी ने इन्वर्जन लॉ को बहुत अच्छे से पढ़ा हो तो इन्वर्जन लॉ आपसे यह कहता है कि जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत इस टाइप के वर्ड से होती है तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से ठीक पहले लिखी जाती है। मतलब मैं कहना यह चाहता हूं कि यहां पे जो हेड लिखा है ये गलत है, हेड यहां पे सब्जेक्ट से ठीक पहले आना चाहिए। इसी को बोलते हैं इन्वर्जन लॉ। इन्वर्जन लॉ बोलने में एक फिजिक्स के रूल जैसा लगता है लेकिन यस इंग्लिश के अंदर इन्वर्जन लॉ को कहा जाता है सब्जेक्ट से ठीक पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब को यूज करना। आंसर बनेगा नेवर बिफोर हैड आई बीन आस्क्ड टू गो देयर बाय बस, दिस इज द आंसर। अपन चलते हैं एरर्स के कुछ और क्वेश्चन की तरफ, जहां पे पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन आपके पास दे रखा है द प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट लेट द टेररिस्ट एक्टिविटीज टू ग्रो इन अवर स्टेट इन अवर कंट्री सॉरी। ठीक है, तो ये आपको एक सेंटेंस दे रखा है, आपको पहचानना है कि सेंटेंस के अंदर आपकी जो एरर है वो कौन से पार्ट के अंदर है। सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें तो एक्चुअल में इसमें जो कॉन्सेप्ट आपके पास यूज कर रखा है कि आप गैस करना चाहोगे एरर क्या है। एट द सेम टाइम किसी एक ही पार्ट में आपके पास एरर रहेगी तो देखिएगा, जैसे ये कुछ पार्ट्स मैंने बना रखे हैं तो मैं बता देता हूं कि इसमें जो एरर आपके पास रही है वो एक्चुअल में इंफिनिटिव की एरर है।
पहले मैं आपको बता देता हूं कि इन्फिनिटिव एक्चुअल में क्या होता है। इन्फिनिटिव आपसे ये कहता है कि 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करनी है, दैट इज इन्फिनिटिव। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश के अंदर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड के अंदर आपका लेट भी आ गया, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं अगर वो वर्ड्स आपके पास दिखाई दे एक्टिव के सेंटेंस के अंदर तो वो कभी उनके ठीक आगे इन्फिनिटिव नहीं लगता। तो सेंटेंस में जो आपकी एरर बनेगी वो सबसे लास्ट पार्ट में रहेगी। लेट के ठीक बाद अगर देखें तो सेंटेंस में लिखा हुआ है लेट द टेररिस्ट एक्टिविटीज टू ग्रो, तो सेंटेंस के अंदर ये टू जो मैंने लगा रखा है वो अननेसेसरी है, यहां पे टू का यूज रॉन्ग आएगा। इसके ठीक बाद चलते हैं अपन सिक्स सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस आपसे कह रहा है देयर अपीयर्स टू बी अ लिटिल लाइजन अमंग द टू ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी, ये आपका सेंटेंस दे रखा है। नो डाउट इस सेंटेंस को अगर कोई भी बंदा ध्यान से देखे तो यहां पे मैंने बहुत ही बेकार सी एरर रखी है कि कोई भी बंदा यहां पे कहेगा कि सर आप टू ग्रुप की बात कर रहे हो तो अमंग की जगह आप क्या लगा लो, बिटवीन लगा लो। यस बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताना चाहता था। मैं कॉन्सेप्ट जो एक्चुअल में आपको बताना चाहता था वो ये है कि अगर यहां पे टू की जगह फाइव होता, फोर होता, सिक्स होता, टेन होता, थर्टी होता, फोर्टी होता, फिफ्टी होता, मतलब कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव अगर आपके पास होता तो मैं कहना आपसे ये चाहता हूं कि यहां पे जब कभी भी डेफिनेट नंबर आपके पास दे रखा हो तो उस केस में हमेशा आपको बिटवीन ही लगाना है, उस केस में भी अमंग मत लगाना। डेफिनेट से मेरा मतलब यहां पर टू दे रखा है तो ये बिटवीन, यहां पर फाइव दे रखा है उस केस में भी बिटवीन। स्टूडेंट के दिमाग में इल्यूजन होता है कि जब कभी भी दो से ज्यादा हो तो अपन अमंग लगाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर यहां मैं डेफिनेट नंबर हटा देता, खाली ग्रुप्स लिखता तो यस उस केस में आपका अमंग यहां पे सही होता। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन। सेवन क्वेश्चन आपके से कह रहा है देयर इज नन हु कैन सपोर्ट यू इन दिस क्रूशियल पीरियड। अब ध्यान से अगर इस सेंटेंस को देखे तो देखिएगा कॉन्सेप्ट यह कहता है कि यहां पर इन्होंने हु एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रखा। आपको यह देखना है कि कुछ वर्ड्स अगर रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले आपको दिखाई दे तो एक्चुअल में यहां पे जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है जैसे नन आ जाए, एनी आ जाए, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ये जब कभी भी आपको दिखाई दे तो यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन जो आपने हु लिखा है वो गलत है, इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय दैट। मतलब आपका सही आंसर ये कहना चाहता है सेकेंड पार्ट में आपकी एरर रहेगी, आंसर रहेगा देयर इज नन दैट कैन सपोर्ट यू इन दिस क्रूशियल पीरियड, मतलब यहां पे हु जो है वो आपका गलत है। एट बहुत ही आसान सा और मजेदार सेंटेंस, सेंटेंस आपके पास कुछ ऐसा है। सेंटेंस आपसे कह रहा है हर ब्लैक लॉन्ग हेयर्स एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। अब देखिएगा ये आपका एक सेंटेंस दे रखा है, इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें तो देखिए मैंने यहां पे एक नाउन यूज कर रखा, उस नाउन से ठीक पहले दो एडजेक्टिव यूज कर रखे। अब आपकी एरर जो इस सेंटेंस के अंदर वो बनी वो ये है कि पहले पार्ट में जो मैंने एडजेक्टिव यूज कर रखा है उसका सीक्वेंस गलत है, टोटल एट सीक्वेंस होते हैं एडजेक्टिव के, तो ये कहना चाहता है कि एक्चुअल में ब्लैक लॉन्ग ना आके लॉन्ग ब्लैक इज द करेक्ट सीक्वेंस, क्योंकि पहले हमेशा आपके पास डेस्क्रिप्शन आता है या फिर साइज आता है, उसके ठीक बाद में यहां पर कलर जो है वो आता है, तो करेक्ट आंसर जो रहेगा आपके पास वो रहेगा लॉन्ग ब्लैक, नॉट ब्लैक लॉन्ग। अब चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन के ऊपर। देखिएगा सेंटेंस आपसे कह रहा है सरला आस्क्ड द टीचर हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर इन क्लास 10। अब देखिए पिछली बार जब मैंने कुछ एरर्स आपको करवाए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस के अंदर जब कभी भी ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो एक बात तो श्योर है कि सेंटेंस जो है वो आपका रिकॉर्डेड स्पीच का है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। तो देखिएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट का सेंटेंस जब इनडायरेक्ट के अंदर जाता है तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इनडायरेक्ट के अंदर जो आपके पास इंटरोगेटिव मतलब सेंटेंस किस वर्ड WH वर्ड से जब कभी भी होती है, WH वर्ड से जब कभी भी होती है तो इसके ठीक बाद सेंटेंस जो होता है वो हमेशा सेंटेंस सिंपल बनाना होता है, ठीक है ना। जबकि यहां पे सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें तो WH वर्ड मेरे पास है हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स यहां पे जो वर्ड लगा रखा है एक्चुअल में गलत है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये कहता है सेंटेंस सिंपल बनना चाहिए, तो यहां पे एक्चुअल में आंसर जो बनेगा वो देयर वर्ड बनेगा, नॉट वर्ड देयर। द करेक्ट आंसर विल बी शर्ला आस्क्ड द टीचर हाउ मेनी गर्ल्स देयर वर इन क्लास 12th, दिस इज द आंसर। इसके ठीक बात चलते हैं 10th क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। सेंटेंस आपके पास दे रखा है आई हैव टू अटेंड द फ्यूनरल सर्विस ऑफ माई डियर डिपार्टेड फ्रेंड
टुडे। बहुत मजेदार सेंटेंस है। अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो आपके पास जो आपकी एरर रहेगी वो रहेगी कुछ ऐसी। कैसे देखिएगा, यहां पे जो सर्विस आ रखा है वो एक्चुअल में गलत है। एरर जो आपके पास बनी है वो बनी है एक्चुअली सुपरफ्लूज एरर। सुपरफ्लूज कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार है, ये अपने टाइम की बहुत अच्छी एरर्स रह चुकी है और आज भी चलती है मार्केट में। जैसे अगर अपन ध्यान से देखें तो आपके सेंटेंस के अंदर ऐसे कोई भी दो वर्ड जिसमें से एक वर्ड नहीं लगाना होता लेकिन अपन लगा लेते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे फ्यूनरल सर्विस, सर्विस फ्यूनरल के साथ सर्विस वर्ड कभी नहीं आता, ठीक है ना, क्योंकि फ्यूनरल स्टेट सर्विस को रिप्रेजेंट करता है तो लिखने की जरूरत उसको नहीं होती। ठीक इसी प्रकार एक सेंटेंस जिसके अंदर एक फ्रेज यूज ही गलत करता है, सेंटेंस को देखा जाता है और सेंटेंस के अंदर वो वर्ड एक्चुअल में आना ही नहीं था लेकिन उसने लिख लिया, ऐसी एरर एक्चुअल में सुपरफ्लूज के अंदर जाती है। तो कॉन्सेप्ट ये कहेगा आपसे कि फ्यूनरल के आगे जो सर्विस वर्ड है वो गलत है, आपका पार्ट रहेगा दूसरा। चलते हैं आगे। अगर अपन देखें क्वेश्चन नंबर 11, सेंटेंस दिखने में जो बड़ा होता है वो आपकी हालत खराब वैसे ही कर लेता है, ठीक है ना। तो देखते हैं सेंटेंस आपके पास क्या है। सेंटेंस आपसे कह रहा है द इंस्पेक्टर वॉज डाउटफुल देन द मैन हु हैड बीन रन ओवर बाय द ट्रक हैड लीन देयर फॉर मोर देन अ डे। सेंटेंस को अगर ध्यान से देखिए तो सेंटेंस में अगर आपकी कोई एरर अगर आपको दिखाई देगी तो एरर आपके पास जो रहेगी वो मेरे हिसाब से कुछ ऐसी होगी। देखिएगा कॉन्सेप्ट पहले मैं क्लियर कर लेता हूं। सेंटेंस में एरर जो है वो सेकंड पार्ट के अंदर है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दैट हमेशा उस केस में लिखी जाएगा जब पीछे वाली बात सर्टेन हो, निश्चित हो, जबकि सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें तो इसमें एक वर्ड आ रखा है डाउटफुल। इससे एक बात तो श्योर है कि पीछे वाली जो बात है वो शायद सर्टेन तो नहीं है, मतलब वो कैसी है, अनसर्टेन है। तो यहां पे दैट का यूज जो इसने लगा रखा है वो एक्चुअली रॉन्ग है, इट शुड बी वेदर, क्योंकि दैट हमेशा तब लगाना है जब पीछे वाली कही गई बात आपकी सर्टेन हो, जबकि यहां पे बात आपकी सर्टेन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास कुछ ऐसा है। सेंटेंस आपसे कह रहा है ही नॉट ओनली कम्स हियर फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ द ब्यूटीफुल सेल्स गर्ल्स। यस, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिएगा सेंटेंस जो आपके पास दे रखा है, अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो एरर आपके पास जो बनेगी वो क्या बनेगी समझिएगा। देखिए एक बात तो श्योर है कि जब कभी भी आपके पास किसी भी सेंटेंस में आप एरर को ढूंढने जाते हो तो सबसे पहले आप पार्ट बाय पार्ट वन बाय वन चलो ताकि कुछ कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर हो जाए। जैसे देखिए इसमें नॉट ओनली दे रखा है और इसने बट ऑल्सो दे रखा है, इससे एक बात तो पता चलती है कि एरर जो आपकी बनी होगी वो कहीं ना कहीं कंजंक्शन की बनी हो सकती है, ठीक है ना। तो देखिएगा अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बट ऑल्सो के ठीक बाद अगर मैं देखूं तो सेंटेंस लिखा हुआ है फॉर हैविंग जो भी है, और नॉट ओनली के ठीक बाद देखूं तो यहां पे दे रखा कम्स हियर। आपको ये नहीं लगता कि यहां पे जो वर्ब इसने यूज कर रखी है वो दोनों के लिए कॉमन होनी चाहिए, जबकि एक्चुअल में देखे तो इसने सिर्फ एक ही सेंटेंस के लिए ये वर्ब लगा रखी है। इसका मतलब ये जो पार्ट होगा वो गलत हो जाएगा। सही आंसर आपके पास ये होना चाहिए कि नॉट ओनली जो लिखा हुआ ये एक्चुअल में यहां ना आके यहां पे आना चाहिए। मतलब आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, ही कम्स हियर नॉट ओनली फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ द ब्यूटीफुल सेल्स गर्ल्स। तो ये आपका आंसर रहेगा। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो कंजक्शन में दो पार्ट होते हैं तो पार्ट को ध्यान से देखना है कि वो फॉलो सेम हो रहे या फिर नहीं हो रहे। वर्ब का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। सेंटेंस आपसे कह रहा है नो सूनर डिड वी फाइंड आउट अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम व्हेन अनदर प्रॉब्लम क्रॉप्ड अप। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट। अगेन कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा कंजक्शन, और कंजक्शन का कॉन्सेप्ट आपसे ये कहेगा कि आपके पास अगर दो कंजक्शन कोऑर्डिनेटिव टाइप के है तो कॉन्सेप्ट ये कहेगा कि यहां पे जो कंजक्शन दे रखा है उसके ठीक बाद जो कंजक्शन आ रखा है क्या उसने गलत तो यूज नहीं किया। बस यही बात यहां पे और रखिए, नो सुनर के साथ हमेशा आपके पास आता है देन। अगेन देखिएगा यहां पे भी मैंने एक मिस्टेक रखी है, THEN नहीं होता, करेक्ट आंसर THAN। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि इस देन को लिख के आपको एक हल्के से कंफ्यूजन में रख सकता है। कहने के लिए आप जब पढ़ोगे तो नो सुनर के साथ देन ही लगेगा, लेकिन एक्चुअल में स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखेगा, ये देन और ये देन कंपैरिजन में आपके पास यूज आता है तो डिफरेंस तो आपके पास रहेगा। इसके ठीक बात चलते हैं, मतलब 13 में आपके पास जो एरर रहेगी वो आई थिंक रहेगी
तीसरे पार्ट के अंदर, वन टू, हाँ यस तीसरा पार्ट चलेगा। 14 देखिएगा, 14 के अंदर मैं बात करूं तो सेंटेंस आपसे कह रहा है, इट वॉज एपेरेंट फॉर एवरी वन प्रेजेंट दैट इफ द पेशेंट डिड नॉट रिसीव इमीडिएट मेडिकल एड ही वुड डाई। बहुत मजेदार सेंटेंस। सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें तो एक बंदा शायद यहां पे आके अटक सकता है। वो शायद ये सोच रहा होगा कि सर सेंटेंस में दैट और इट एक साथ कभी आ सकते हैं क्या? यस, कंडीशनल सेंटेंस अगर हो तो आ सकते हैं। तो फिर आखिर क्या इसके अंदर जो आपके पास एरर रहेगी वो मेरे हिसाब से पहले पार्ट के अंदर रहनी चाहिए। पहले पार्ट को अगर ध्यान से देखें तो एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, दैट इज फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आगे कोई भी वर्ड लिखा हो इसके ठीक बाद जो प्रीपोजिशन आती है वो फिक्स होती है। ये क्या करेगा, गलत यूज करेगा। सेंटेंस में एपेरेंट दे रखा और पीछे एवरीवन दे रखा, मतलब ये पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सीधी सी बात ये हुई कि यहाँ पे फॉर नहीं आगे, यहाँ पे टू आना चाहिए, क्योंकि एपेरेंट जो वर्ड है इसके साथ जो प्रीपोजिशन आएगी वो हमेशा टू आएगा। चले चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर ध्यान से देखें तो सेंटेंस आपके पास कुछ ऐसा है। सेंटेंस आपसे कह रहा है, If you had completed your work timely, you would have rewarded. तो ये आपके पास सेंटेंस देख रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इस सेंटेंस के अंदर आपको कोई एरर दिखती है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट आपसे ये कहता है कि कंडीशनल क्लॉज के अंदर अगर प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर अगर हेड दे रखा है तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर भी आपका would have लिखा जाता है। अब सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें तो आपके पास रहेगा, इफ यू हैड कंप्लीटेड योर वर्क टाइमली यू वुड हैव रिवॉर्डेड। मतलब ध्यान से अगर देखें तो इस सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है, मतलब सही आंसर आपके पास रहेगा, नो एरर। बट अगर यही सेंटेंस आपको दिया जाता तो बिल्कुल आप शायद इसमें एरर ना होते हुए भी एरर निकाल लेते, जैसा आपका जन्मसिद्ध अधिकार हो। ठीक है, अब चलते अपन आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सेंटेंस आपके पास दे रखा है, इफ आई हैड इनफ टाइम आई वुड हैव मेट हर डेफिनेटली। ये आपका सेंटेंस दे रखा है। अगेन इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपसे कहा था कि कंडीशनल क्लॉज के अंदर अगर पहले सेंटेंस के अंदर हेड है तो दूसरे सेंटेंस में वुड हैव आता है। अब आप कहोगे सर इसमें भी नो एरर होगा। यहां पर मैंने एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट की है जहां पे इस हेड को ध्यान से देखें और अगर मैं आपसे कहूं क्या ये हेड वाकई हेड है, मतलब क्या ये वाकई पास्ट परफेक्ट है, कहते नहीं, ये आपका पास्ट परफेक्ट नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक्चुअल में हैव एक मेन वर्ब है, इसके अंदर डिड, मतलब ये एक्चुअल में सिंपल पास्ट है। तो एरर क्या बनी, एरर ये बने कि सेंटेंस के अंदर जो आपके पास यहां पर लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट, इट इज रॉन्ग, इट शुड बी। देखिए एक तो पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इफ में पहला सेंटेंस हैड आना चाहिए, तो मैंने इस डिड की जगह लिख लिया हैड। दूसरी बात, इस हैव की थर्ड फॉर्म भी तो वापस आएगी, मतलब कहना चाहता है कि सेंटेंस के अंदर दो बार हैड आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे एक स्टूडेंट मेरे से पूछ सकता है हमें कैसे पता चलेगा कि सर ये एक्चुअल में हैव प्लस डिड। सेंटेंस को अगर ध्यान से पता करो तब भी पता चल जाएगा, और अगर वैसे पता नहीं चले तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। यहां पे अगर इस हेड को ध्यान से देखे तो इसके ठीक बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और यहां पे इस हेड को ध्यान से देखिए, क्या कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नहीं है। इसका मतलब पहले सेंटेंस के अंदर आपका हेड दो बार लिखिएगा। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं तो सेंटेंस आपके पास कुछ ऐसा है, I have been knowing her for 5 years, but I don't know where she lives. ये आपका sentence देगा। Sentence में जो आपके पास error बनी है वो रहेगी पहला ही part। पहले part के अंदर error आपके पास ये बनी है, no. No actual में एक stative verb है। Stative verb का concept आपसे ये कहता है कि English के अंदर कुछ ऐसी verb होती है जो non-progressive form में होती है, उनको आप कभी भी ing फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो देखा जाए तो एक्चुअल में यहां पे नोइंग जो है वो गलत है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। आंसर आपके पास रहेगा, या तो ऐसा केस जब कभी भी बने तो आप या तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हो या फिर आप सिंपल प्रेजेंट यूज कर सकते हो। तो मैं यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रहा हूं, हैव दे रखा है, तो ज्यादा सही आंसर आपके पास ये रहेगा, यहां पर मैं नोन लिख लू, नोइंग आपका बिल्कुल गलत होगा। कॉन्सेप्ट है स्टेटिव वर्ब।
अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको नो डाउट श्योर सक्सेस मिले। थैंक यू वेरी मच।